कि इंशाल्लाह मैंने अपने दायरे में आपको पता है मैं जब कोई चीज जिस पे जहां मैं जाता हूं मैं फिर हर जहां जिस फोरम में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल जहां भी पहुंचता है हम फिर बताते हैं कि वहां पे क्या क्या मजबूरी है। मुझे पता है कि पिछले कई दहाइयों से हमारे खस्ता हालत में हमारे बहुत सारे बुजुर्गों के आस्था बहुत ज्यादा हम इवन मलखा के ऊपर गंडोला चलाया गया था हमारे मुकदूब साहब के बिल्कुल ऊपर से गंडोला गया और बहुत गलत हालत में ये जाते थे वहां जो भी कहा इन्होंने ऐसे फैशन के बड़े अंदाज में गंडोला पे लड़कियां भी जाते थे लड़के को पिकनिक जैसे बनाते थे। देखो बुजुर्ग की ताकत गंडोला 10 दिन के बाद बैठ गया और अभी तक नहीं टूटा वो आप और हमने आवाज नहीं उठाया उनको खुद ही जंग लग गया जो करोड़ों का था। इसलिए हमें उन चीजों की जरूरत नहीं होती हमें जरूरत है रास्तों की। पैदल जाए जूता निकाल कर 1 किलोमीटर दूर जूता निकाल के दरगाह पहुंचा करते थे 1 किलोमीटर दूर। आज दरगाह से क्यों करके गाड़ी निकलती है क्यों कर तो दरगाह की तरफ सर भी नहीं उठता है सर भी नहीं उठता है तो वहां उस कश्मीर पे कैसे इनायत हो सकती उस पर मुझे पता इनायत औरंगजेब डर गया जब मोई मुकद्दस यहां आया। ये क्या असर तो ये मैं बताओ दो लोग जो बहुत ही जियारत है एक है जिनमें खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सईद जादे ग्रुप जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है वो तो अब सही खून है। दूसरे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं ख्वाब में वो ख्वाब जादे है वो ख्वाबों में उनसे जैसे नूरुद्दीन ज़ंगी जो वहां अरब के थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहा कि मेरी कब्र की तरफ कोई यहूदी आ रहा है। सुना होगा बड़ी लंबी है मैं ज्यादा पकड़ नहीं ले सकता हूं लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि ऐसे लोग जिनके साथ कम्युनिकेशन अल्लाह ताला हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है आज भी होती है। जब बुलबुल साहब आए उनके कहने पे आए शहर खास में आए उनके कहने पे आए हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह उनके कहने पे आए। मुझे यकीन है कि जब दीवानी साहब के दरगाहों में हम हैं तो जरूर कोई ना कोई औलिया है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है क्योंकि जो सीढ़ी मेराज को लगी। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा जो मेरा बहुत सारे लोगों को तस्वीर में आता है समा ऐसे हेर प्लाई पर मैं ऐसे वन पेटल मस्जिद अक्सा पे अरशस्तान नहीं वो सीढ़ी वही नहीं थी जो आप सोच रहे हो वो सीढ़ी अवलियाओं की शाने की एक शाने के ऊपर से दूसरे अवलिया के शाने के ऊपर से तीसरे अवलिया के शाने के ऊपर से ऊपर पहुंचते और वही इस वक्त सारे कश्मीर को क्या सारी दुनिया को बचाए हुए पर दुनिया कब की तबाह होती है वही मेराज की सीढ़ियों में लगे हुए अवलिया वही दर्जात है उनके और वही हमें बचाए हुए। तो इसी के साथ मैं आपको सबको आपने गौर से सुना आपको शुक्रिया और इसका इसीलिए मैंने बोला कि ये जो आपका मुझे आप इसका खाका दो मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ उसने काम किया बहुत ही अच्छे आदमी है जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ काम किया जब मैं अच्छे डिविजनल कमिश्नर था वो वहीं पे थे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में तो मैं उनको टेलीफोन पे बताऊंगा लेकिन कोई पुरसू करे कमेटी के दो तीन उससे मिले और मैं इसके पीछे फिर रहूंगा जैसे मैंने वो दूसरे आस्थान से इसका मैं बाजाबा